आपके यहाँ गोरखपुर में जी लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हमारे यहाँ गोरखपुर में जी जिले में जैसे यहाँ दो सांसदीय क्षेत्र हैं, एक सांसदीय क्षेत्र में पांच ही हैं, लेकिन जिसमें 10-7 मान है हम लोग के यहाँ 7 है जिले में। 2017 में किनके पास थी ये सीटें सब? 2017 में गोरखपुर ग्रामीण पिपराई सब भाजपा के पास ही थी, भाजपा के पास थी। हाँ। इस बार योगी जी गोरखपुर सदर से लड़ रहे हैं जी, और क्या माहौल क्या है वहाँ का? योगी जी का तो माहौल एक नंबर है, योगी जी का तो कोई मतलब इब्बत है ही नहीं। हाँ, लेकिन अब बाकी इनके लड़ने से आसपास की सीटों पे भी पूरा असर पड़ा है। कितनी सीटों पर योगी जी के लड़ने से गोरखपुर या पूर्वांचल जी की कितनी सीटों और कितने जिलों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या आकलन क्या है आपका? इसमें गोरखपुर बस्ती मंडल आपका पूरा प्रभावित रहेगा इससे योगी जी के लड़ने से। अच्छा, तो योगी जी की जीत सुनिश्चित है क्या? इस पर भी कोई बहस है क्या कि मार्जिन कितना तगड़ा रहेगा? जब से योगी जी सांसद लड़ते थे उनका दिन पर दिन मार्जिन बढ़ता ही रहा है हमेशा। ठीक है, और पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं। हाँ। और इस बार लोगों की उम्मीद है कि बम्पर रोड से रिकॉर्ड बन सकता है इस बार, क्योंकि हर हर व्यक्ति के नाम पे योगी जी का ही नाम है शहर से, और हमको लगता है यूपी में रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। अच्छा अच्छा दूसरे ये कि पूरे जनपद में और आसपास नाम अगर लू जिलों का जी, तो देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया जी, और कौन से जिले लगे हुए हैं? गोरखपुर मंडल से मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। अच्छा। और गोरखपुर ये चार जिले हैं। चार जिले हैं जी। यहाँ पे लड़ाई किस पार्टी से है बीजेपी की? यहाँ की लड़ाई मैक्सिमम कहीं से नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ सीटों के एक आध दो सीट छोड़ दिया जाए। हाँ। तो भाजपा एक नंबर पर है। ठीक है जी। और फिर नहीं तो दूसरे नंबर पर कौन है? सपा है। बीएसपी और कांग्रेस का क्या है? बीएसपी कांग्रेस का जनाधार बहुत कम हो गया इधर। अच्छा, लड़ भी नहीं पा रहे हैं चुनाव ठीक से। जी जी। अच्छा, गोरखपुर की टोटल सीटों पर जी, टोटल सीटों पर दोनों लोकसभा को मिला करके जी, जो सरकारी योजनाएं हैं जी, तमाम तरह की, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, हाँ, है ना, फ्री राशन वितरण जी जी जी, सुरक्षा, शिक्षा जी, गोरखपुर का नवीनीकरण जी, शहर को मॉडल बना देना जी, ये सब मुद्दे भी हैं या केवल योगी जी का आभा मंडल काम कर रहा है? नहीं, मेन मुद्दे तो यही सब हैं। मेन मुद्दे ये भी हैं। हाँ, गोरखपुर का मतलब कायाकल्प कर देने की वजह से गोरखपुर के साथ साथ आसपास के जिलों में भी सुधार हुआ है और क्या विकास हुआ है वहाँ पे, वहाँ नई नई योजनाएं जो आई हैं, और सबसे मेन चीज सड़कों का जाल जो बिछ गया है। हाँ। इस वजह से छोटे छोटे गांव भी पक्की रोड से जुड़ गए हैं। इसकी वजह से, और दूसरी चीज राशन की वजह से गांव देहात जो यहाँ के पूर्वांचल के मैक्सिमम लोग बाहर जाके कमाते थे, और कोरोना काल में हाँ हाँ उनको स्थिति ये थी कि वो खाने भर का नहीं कमा पाते थे, तो ये राशन फ्री बटने से उनको बहुत राहत मिली है। अच्छा जी। इधर पूर्वांचल में गांव क्षेत्र के लोग ज्यादातर लेबर क्लास लोग होते हैं जी जी, और वो अक्सर दिल्ली बम्बई जाके कमाते थे, और कोरोना काल में उनकी स्थिति हो गई थी, नौकरी छूट गई थी, लेकिन इनके राशन मिलने की वजह से उन लोगों का जीवन यापन किसी कट गया, आसान हो गया जी। अच्छा जी, गोरखपुर मैं इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जब से जी, मैंने देखा कि इंसेफ्लाइटिस को लेकर के, जेई को लेकर के मतलब कड़ा उठता था पूरा पूर्वांचल जी जी, ये 5 साल में कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा। जैसे इंसेफ्लाइटिस का पहले क्या था, टीकाकरण नहीं होता था। अच्छा। और जब से योगी जी की सरकार बनी है और भाजपा की केंद्र में बनी है, योगी जी लड़के इंसेफ्लाइटिस के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं। इन्होंने मेडिकल कॉलेज से मंडलायुक्त तक पद यात्रा किया है 2-2 बार, और वो कम से कम 13 किलोमीटर की दूरी है जो वो पैदल चले हैं। अच्छा। इसके लिए संघर्ष किया, और आज के समय जो टीकाकरण होने लगा तो इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप बहुत कम होता गया, मतलब जड़ से खत्म हुआ।
जड़ से नहीं खत्म हुआ है, लेकिन यह है कि अब परसेंटेज 5-10 के अंदर है। 5-10 के अंदर बहुत बड़ी बात है ये भाई। कोई सैकड़ों मौतें थोड़ी होती थी, हजारों में होती थी। जी, बहुत होती थी। बच्चे मुझे भरे रहते थे मेडिकल कॉलेज में। मुझे तो याद है ना कि बहुत सारे बच्चों को तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था, कहीं कहीं भी चिकित्सा के लिए। अब उनकी डेथ हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इनसे प्रैक्टिस नाम पर लूट लेते थे और बच्चों को बचा नहीं पाते थे। तो रिपोर्ट नहीं होते थे। सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो रिकॉर्ड में ही नहीं थे। रिकॉर्ड में नहीं थे, जो मेडिकल जाते थे वही अनरिकॉर्ड होते थे। तो वो संख्या कहीं ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेडिकल में जगह नहीं बचती थी बच्चों के वार्ड में। स्थिति आई थी कि जमीन पे बाहर लिटा के लोग परिजन अपना इलाज करवाते थे बच्चों का। वो देखा है मैंने मंजर, मुझे याद है। और बरसात शुरू होते ही पूर्वांचल का इंसेफ्लाइटिस वो छोटे से लेके बड़े अखबारों तक की महीने में 25 दिन लीड खबर हुआ करता था। जी जी जी, वो खत्म हो गया जी, अब नहीं है। अच्छा, लोगों के मन में ये भी है कि भाई हम योगी जी को जिता के भेजें, साथ में हम मंत्रिमंडल के लोगों को जिता के भेजें, ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता के भेजें, जिससे योगी जी मुख्यमंत्री बने रह सके। ये भावना काम कर रही है। लोगों के दिमाग में केवल योगी जी का चेहरा आ रहा है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। इससे गोरखपुर मंडल की और आसपास के बस्ती मंडल की इन सीटों में लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है। जी जी, थोड़ा बहुत मुकाबला सपा करेगी। हाँ, सपा करेगी, थोड़ा बहुत फाइट कर रही है सपा, लेकिन कोई बहुत विशेष फाइट नहीं। गोरखपुर और बस्ती मंडल में तो नहीं कर रही है। जातीय आधार पर भी वोट पड़ेंगे जरूर? यहाँ जातीय आधार पर कम, यहाँ हिंदुत्व आदि पे वोट पड़ेंगे। हिंदुत्ववाद पर वोट पड़ेंगे जी। अब अच्छा, चलो ठीक है, मैं अभी दोबारा आपसे संपर्क करूंगा फिर एक बार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।